देख सकते हो तुरंत मार के फास्ट ग्लू वॉल यहाँ पे लगा सकते हो। ये तो हो गया गाइस आप जो यूज़ करते हो एसएमजी गन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप वन टैप मारते हो तो फिर भी आप यहाँ पे वन टैप मार के तुरंत ग्लू वॉल लगा सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्ट। हेलो मेरी वीडियो फैमिली, किस यार उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट की मैपिंग के बारे में। जी हाँ गाइस, आप लोग कौन सी ऐसी की सेटिंग्स जो कीबोर्ड की सेटिंग है वो कर सकते हो जिससे आपका जो गेम प्ले है, जो मैं गेम प्ले ये कर रहा हूँ ये तो मैं ऑक्टोपस में कर रहा हूँ, बट आप अगर ये पांडा माउस प्रो में करते हो या फिर फ्लाइट की कीबन खरीद लिए हो या फिर आप कंप्यूटर में ही खेलते हो या फिर ऑक्टोपस में ही खेलते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑक्टोपस में ही खेल रहा हूँ, तो आप लोग किसी में भी खेलते हो कीबोर्ड एंड माउस। ये जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ ये सेटिंग यार एकदम मैक्रो सेटिंग है, समझ सकते हो। मतलब इससे यार बहुत ही भयानक हेड वगैरह लगेंगे। साथ में इस सेटिंग को यूज़ करने के बाद आपका जो मूवमेंट स्पीड है वो एकदम मक्खन हो जाएगा, बहुत ही तेज़ हो जाएगा मूवमेंट स्पीड। एंड उसके बाद आपका जो गेम प्ले वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत ही आसान सेटिंग है एंड ये सारा सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बट उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि देखो वन टैप मार के तुरंत हम लोग क्या करते हैं, वन टैप वगैरह के लिए तो ये सेटिंग बहुत ही एकदम कारगर है, ठीक है। तो वन टैप मारने के लिए देखो यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, हम लोग मार के तुरंत यहाँ पे गन चेंज करके एंड तुरंत रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के जो ये एक्शंस हैं, ठीक है, वो बहुत ही आसान है गाइस, ठीक है। इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे वो आप डिजिटल ईगल यूज़ करो, चाहे आप यहाँ पे M1887 यूज़ करो, चाहे M10 यूज़ करो, कोई भी आप गन यहाँ पे यूज़ करते हो वन टैप मारने के लिए, चाहे आप यहाँ पे ड्रैगनो यूज़ करो, कोई भी गन यूज़ करते हो तो बहुत ही आसानी से वन टैप मार के तुरंत भाग सकते हो, पहला चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे सीटअप वन टैप मारते हैं हम लोग। देखो सीटअप वन टैप मैं आपको मार के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का आप लोग सीटअप वन टैप भी मार सकते हो, ठीक है। एंड इसको मार के भागने के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है, सिंपली आपको यहाँ पे तीन की यूज़ करने पड़ेंगे। पहला जो यहाँ पे दो डबल की आप यूज़ करके वन टैप मार सकते हो, फिर थ्री तीन की यूज़ करके, ठीक है, तीन की नहीं एक्चुअली दो ही की यूज़ करके आप लोग यहाँ पे मार के तुरंत एंड यहाँ से भाग सकते हो। एंड वन टैप ग्लू वॉल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ग्लू वॉल ले लेता हूँ, उसके बाद वन टैप एंड ग्लू वॉल सेटिंग आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी जॉयस्टिक प्रॉब्लम वगैरह होती है, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया बट उतना ज़्यादा नहीं होती, बट थोड़ी बहुत यहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एंड लेने के बाद यहाँ पे मैं ग्लू वॉल ले लेता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे ग्लू वॉल ले लिया है, ठीक है, एंड ग्लू वॉल लेने के बाद अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे ग्लू वॉल कैसे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो तुरंत मार के फास्ट ग्लू वॉल यहाँ पे लगा सकते हो। ये तो हो गया गाइस आप जो यूज़ करते हो एसएमजी गन, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप वन टैप मारते हो तो फिर भी आप यहाँ पे वन टैप मार के तुरंत ग्लू वॉल लगा सकते हो बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो ये सारी सेटिंग्स आपको कैसे करनी है, ठीक है, वो सारा डिपेंड करता है आपके की मैपिंग एंड प्रैक्टिस के ऊपर। मैं फिर से बोल रहा हूँ की मैपिंग एंड प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। प्रैक्टिस भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे सिर्फ की मैपिंग करने से कुछ नहीं होगा, आपको उस पर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस बात करते हैं कि कौन कौन सी की कहाँ कहाँ सेट करना है सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हर एक की का यूज़ क्या है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे इंट्रो के साथ, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का, तो इसे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन भी दबाना इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहीं से उठा के वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग के डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आया, बहुत सारे लोग बोले थे कि मैपिंग की वीडियो लाने के लिए, तो फाइनली की मैपिंग की वीडियो आ चुकी है जिसको आप लोग यूज़ करके यार एकदम बहुत ही अच्छी खासी गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। अब देखो की मैपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। बाहर ही नहीं निकलते, सिंपली हम लोग क्या करते हैं सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल में चलते हैं एंड सबसे पहले अपनी फ्री फायर की जो सेटिंग है वो ओपन कर लेते हैं। अब देखो फ्री फायर की सेटिंग वो मैंने ओपन कर ली है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऑक्टोपस की सेटिंग ओपन करेंगे, ठीक है। अब ऑक्टोपस की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ऑक्टोपस की सेटिंग। अब आपको सबसे पहले जो ये फ्री फायर का जो मैंने बटन यहाँ पे सेट किया हुआ है, जिस तरीके से मैंने सेट किया हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना है। देखो मैंने यहाँ पे ये जो बॉक्स है गन वाला वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एंड उसके बाद ये तो मैंने यहीं पर रखा हुआ है एंड यहाँ पे जो ये आपका स्क्राउच बटन है, जो सिट डाउन बटन है, जो यहाँ पे ये स्लीपिंग बटन है, ठीक है, एंड यहाँ पे बैग वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ से राइट साइड से हटा कर मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दी है। उसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ पे देखो स्कोप बटन आपको यहीं पे मिल जाएगा, उसके बाद आपको स्प्रिंट बटन मतलब जो ऊपर कूदने वाला बटन था वो भी आपको यहीं मिल जाएगा, ग्लू वॉल का भी यहीं मिल जाएगा, बैठने वाला भी यहीं, रिवाइव करने वाला भी यहीं, यूज़ करने वाला भी यहीं, बस यहाँ पे आपको गन का यहाँ पे बॉक्स मिलेगा, जबकि गन का बॉक्स यहाँ पे रहता है उसको उठा के आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। यहाँ पे रख दोगे तो यहाँ का जगह आपको खाली रखना क्यों वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, ये जरूर आपको कर लेना। ये तो होगी फ्री फायर की सेटिंग, आप लोग ध्यान से देख लो इस तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसी तरीके से आपको सेटिंग कर लेनी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फ्री फायर का सेटिंग ओपन करना है, ठीक है। अब मैं फ्री फायर का सेटिंग देखो ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर देखो मैं सारे बटन्स को हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलो नहीं हट रहा है। चलो हम लोग करते क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अपने, एक मिनट में इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ,
ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्कोप वाले बटन की, ठीक है, जो हम लोग का स्कोप होता है। तो बहुत सारे लोग स्कोप कंफर्टेबल होते हैं अपने माउस के इस राइट बटन को यूज़ करने में, बट स्कोप का सबसे बढ़िया बटन आपका होता है क्यू, क्यू बटन। क्यू बटन आपको कीबोर्ड के यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कौन सा की यूज़ करता हूँ वो मैं अभी बताऊंगा। तो क्यू बटन आपको यहाँ से इस्तेमाल करना है। ये मेरी सेटिंग कर दी, मैं सेटिंग एक बार फिर से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, हाँ मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो क्यू बटन है वो आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। स्कोप वाला बटन देखो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो स्कोप वाले बटन पे आपको ये क्यू वाला बटन जो है रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड बटन के बारे में, जो कि हम लोग का है रनिंग बटन, ठीक है। यहाँ पे देखो रनिंग बटन के लिए मैंने ई रखा हुआ है, ई वाला बटन, ठीक है। ई वाला बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे, जो कि आपको इस वाली उंगली से यूज़ करना है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे आपको यूज़ करना है, वो भी मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अभी बैक के लिए आपको देखो यहाँ पे बैक वाला बटन है, ठीक है। बैक के लिए आपको रखना है F2 बटन, ठीक है। F2 बटन देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, F2 बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको F2 बटन इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्राउच बटन, मतलब जो बैठने वाला बटन है। तो बैठने वाला बटन आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो की सेट किया हुआ है, एक तो आपका टैब बटन है, टैब बटन आपको ये वाला सेट टैब बटन है, सॉरी यहाँ पे देखो यहाँ पे टैब बटन है। तो ये टैब बटन आपको यूज़ कर लेना है बैठने वाले बटन के लिए। दूसरा आपका मैंने यहाँ पे यूज़ किया माउस टू बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे ग्लू वॉल एंड बैठने वाले बटन के लिए दोनों के लिए मैंने माउस टू यूज़ किया। क्यों यूज़ किया मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग सेटिंग जान लेते हैं। सेटिंग देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको रखना है वन, गन वन के लिए आपको यहाँ पे रखना है टू, गन टू के लिए। एंड यहाँ पे आपको रखना है थ्री, ठीक है। बाकी सारा बटन तो भूल जाओ, पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे थ्री रखना है आपको, गन थ्री के लिए। उसके बाद हमको यहाँ पे रखना आर बटन, ठीक है। आर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आर आपको क्या करना है, रीलोड के लिए यहाँ पे आर रखना है, ठीक है। तो आर यहाँ पे होगा, वन टू थ्री एंड आर। उसके बाद आपको करना क्या, ये तो हो गया नॉर्मल सेटिंग। उसके बाद एच जी एफ, एच आपको उठा के यहाँ पे रख देना है, ठीक है। जी आपको उठा के यहाँ पे रख देना है, एफ आपको उठा के यहाँ पे रख देना है। एंड आपको एक और बटन यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पे की वाले बटन पे क्लिक करके ले लेना है। यहीं से आप बटन ले सकते हो, बाकी सारी चीज़ें भी यहीं से ले सकते हो। तो आपको ये बटन उठा के यहाँ पे रख देना है, एफ जी एच, यहाँ पे गलत हो गया, एफ जी एच, यहाँ पे एफ इस साइड रहेगा, जी आपका बीच में रहेगा, एंड एच आपका यहाँ पे रहेगा, एंड यहाँ पे आपका जे हो जाएगा, ठीक है। जे बटन, एफ जी एच जे, ये आपको बटन यहाँ पे रख लेना है ऐसे, ठीक है। ये इतना सेटिंग हो गया साइड का। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आल्ट बटन रखना है। यहाँ पे देखो जो आपका करेक्टर स्किल यूज़ करते हो, जो आलोक करेक्टर हो गया या फिर क्रोनो हो गया या फिर कोई करेक्टर हो गया जो एक्टिव करेक्टर होते हैं, उसका स्किल यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आल्ट बटन रखना है। आल्ट बटन ला के यहीं पर रख देना है, ठीक है। आल्ट बटन, बटन कैसे आपको ऐड करना है आई होप कि मालूम होगा। यहाँ पे ऐड वाले बटन पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे की वाले बटन पे आपको ऐड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बटन से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आल्ट बटन रखना है। आल्ट बटन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखो आपको स्पेस बार जो है ये बड़ा रखिए, उसके बगल में आपको यहाँ पे आल्ट बटन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आल्ट बटन आपको यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। अब इधर की तो सारी सेटिंग्स हो गई, अब इधर का भी मैंने बता दिया। क्यू बटन जो है आपको स्कोप के लिए रख लेना है। एफ वन बटन, अब देखो ये एफ वन बटन है, एफ वन बटन आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। जो हम लोग मशरूम खाने के लिए या फिर और कोई चीज़ यूज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो एफ वन बटन आपको यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे यूज वाले बटन पे, जो हम लोग का यूज़ के लिए मतलब मशरूम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो एफ वन बटन आप यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है। हम लोग बैठने वाले बटन के लिए यहाँ पे यूज किए थे टैब बटन, ठीक है। बैठने वाले बटन के लिए टैब बटन, बट इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो है आपका किसी को रिवाइव करने के लिए सी ले सकते हो, सी वाला बटन देख सकते हैं, यहाँ पे सी बटन है। तो सी बटन यहाँ से आपका स्पेस देखो, ये हाथ ऐसे रहेगा आपका, तो यहाँ से तुरंत ऐसे यहाँ से रिवाइव कर सकते हो फास्ट किसी को रिवाइव करना हो तो। अब ये तो हो गया। उसके बाद स्पेस बटन आपको लेना है स्प्रिंटिंग के लिए। यहाँ पे देखो स्प्रिंटिंग मतलब जो कूदने वाला है, उसके लिए आपको स्पेस बटन, ये बड़ा वाला की लेना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेस बटन। ये सारी की मैपिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है आपका मेडिकेट, मेडिकेट के लिए आपको लेना फोर, फोर आपका देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर है, तो ये फोर वाला बटन लेना है। एंड ये जो फोर बटन है, आप जब बैठ के चाहे स्थिर होकर मतलब एक जगह खड़े होकर वीडियो करोगे तो मेडिकेट यूज होगा, एंड जब आप रनिंग करते रहोगे तो आपको यहाँ से यहीं से डायरेक्टली क्लिक करोगे फोर, कोई जो टिकिया आपका होता है वो टिकिया भी खा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हो गई नॉर्मल है। उसके बाद यहाँ पे आपके जॉयस्टिक के लिए यहाँ पे डब्ल्यू एच डी बटन यूज़ करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐड वाले बटन पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंपस वाले डब्ल्यू एच डी, आपको ला के यहाँ पर रख देना है, ठीक है। ये डब्ल्यू एच डी बटन होगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने कंपस के लिए, जॉयस्टिक मूवमेंट के लिए, ठीक है। ये हो गया इतना सारा बटन। अब यहाँ पे हम लोग का बचता है ग्लू वॉल के लिए, सेटिंग बटन के लिए, एंड यहाँ पे मैंने एक और टैब बटन सेट किया था क्यों। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ग्लू वॉल की। तो उससे पहले हम लोग को यहाँ पे चलना है सेटिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ का जो सूट मूड शॉर्टकट है, सूट मूड शॉर्टकट वाला, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे रहेगा माउस टू बटन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जब आप ओपन करोगे पहली बार तो इस तरीके से माउस टू लिखा रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको यहाँ पे ये वाला की सेट कर लेना, देखो ये वाला की, ठीक है, ये वाला की सेट कर लेना। तो इससे आपका जो है ये माउस टू बटन है, ये वाला मतलब राइट बटन, वो आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सेट करने के बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे ग्लू वॉल पे आपको माउस टू बटन रख लेना है। माउस टू से ही मतलब ये जो माउस टू है, फास्ट ग्लू वॉल लगाना, तो आपको माउस टू जो कि आपके हाथ में रहेगा, तो माउस टू बटन आपको यूज़ करना है यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। नेक्स्ट आपको इधर
देखने को मिलेगा जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है सेटिंग के लिए। सेटिंग के लिए एक तो बटन मैंने यूज़ किया है टैब बटन, टैब बटन जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको एक टैब बटन सेट कर लेना है एंड इसी के ऊपर एक नया बटन ऐड करना है एंड उसको भी आपको माउस टू ही कर लेना, मतलब यही राइट बटन ये वाला देखो जो आपने ग्लू वॉल के लिए सेट किया था वही आपको माउस टू बटन यहाँ पे सेट कर लेना है, यहीं पे लाके आपको रख देना है ठीक है। माउस टू बटन यहाँ पे सेट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स हो गई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको जो थ्री बटन मैंने सेट किया था गन थ्री के लिए, उसके लिए मैंने एक और बटन सेट किया यहाँ पे, एक और बटन है जो कि मैंने टैब रखा है। टैब मैंने दो जगह सेट किया है, एक यहाँ पे बैठने के लिए एंड यहाँ पे टैब बटन मैंने गन थ्री पे भी रखा है। क्यों रखा वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स हो गई। अब आपको एक कीवर्ड का ऐड करना है जो कि आप अगर कभी पूरा स्लीपिंग मोड पे रहते हो मतलब यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जेड आप यूज़ कर सकते हो ठीक है, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जेड यूज़ कर सकते हो, एक्स यूज़ करते हो ठीक है। तो आप कोई भी की यूज़ कर सकते हो जो कि आपके स्पेस बार के पास ही रहेगा, तो आप यहीं से क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। ये हो गई आपकी सारी सेटिंग्स ठीक है। अब आते हैं अपने मेन सेटिंग के बारे में जो कि हम लोग का 360 होता है। उससे पहले आप लोग यहाँ पे ऐड करके ये जो है फायर बटन है, फायर बटन ला के आपको अपने फायर बटन पे रख लेना ठीक है, यही वाला बड़ा वाला फायर बटन जिससे ड्रैग होता है, जो आप राइट साइड में फायर बटन रखे थे ना राइट साइड से ला के लेफ्ट साइड में रखे हो उसी फायर बटन पे, इस फायर बटन पे नहीं ठीक है। जो आपका लेफ्ट साइड में ऑलरेडी लेफ्ट साइड में रहता है उस फायर बटन पे नहीं, ये वाले फायर बटन पे आपको ये फायर बटन ला के रख देना है ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बटन आता है साइड बटन, ये साइड बटन आपको बहुत जरूरी है ठीक है। ये साइड बटन आपको कहाँ मिलेगा सिंपली मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड पे जाना है, ऐड पे देखो यहाँ पे लिखा होगा साइड बटन, इसको ला के आपको यहाँ पे रख देना है। अब यहाँ पे इसको क्यों रखना है, जब यहाँ पे इसको रखोगे तब आपका जो है पहली बात तो जॉयस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा ठीक है। अगर इसके ये जो नॉर्मल सेटिंग होती है फ्री फायर के उस पर यूज़ करोगे साइड बटन को, कहीं भी यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, तब बहुत ज़्यादा जॉयस्टिक प्रॉब्लम होगा। बट ये सारी चीज़ें राइट में राइट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद, ये गन इसके नीचे करने के बाद जब यहाँ पे रख लोगे तो आपका बहुत कम जो है ये जो जॉयस्टिक प्रॉब्लम वो होगा ठीक है। तो ये आपको साइड बटन यहाँ पर रख लेना है, रखने के बाद आपको टिक कर देना है ठीक है, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद यहाँ पे बैक आ जाना है, क्लिक कर देना। अब मैं आपको चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में एंड हर एक की का आपको यूज़ बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग चलते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, बट आपको एक की और अभी सेट करना बाकी है। जी हाँ गाइस, आप लोग मान लो फास्ट बैक तो खोल लिया ठीक है, बैक हमने किस पे सेट किया था F2 पे ठीक है। देखो मैंने F2 पे क्लिक किया, बैक सेट कर लिया, बैक तो खुल गया ठीक है। बट यहाँ पे जो है आपको बैग, यहाँ पे देखो बैग के लिए आपने यहाँ पे जो बटन सेट किया था, अब आपको एक क्रॉस के लिए मतलब यहाँ पे आप एक F2 बटन सेम ही बटन आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका बैग बंद होने के लिए भी कोई बटन चाहिए, वरना बार बार माउस ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको की ऐड करना है यहाँ पे एक एंड F2 बटन फिर से वही सेम जो आपने बैक के लिए सेट किया था F2, वही आपको यहाँ पे भी ला के F2 यहाँ पे रख लेना है। अब देखो यहाँ पे जब F2 क्लिक करोगे आपका बैग फास्ट ओपन एंड बंद होगा, एक बार क्लिक किया ओपन फिर दोबारा क्लिक किए बंद। तो इस तरीके से आप F2 बटन भी यूज़ कर सकते हो ठीक है। अब आपको एक की और यूज़ करनी है, कौन सा की भाई, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है नो ठीक है, तो बट आपको इसमें समझ लेना है ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ये देख लेते हैं मेरी सेटिंग ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे हम यूज़ बटन हम लोग सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने F1 यूज़ के लिए सेट किया है ठीक है। तो हम लोग जब भी यहाँ पे ये बटन यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑप्टेन बटन यहाँ पे मिल जाता है, तो यहाँ पे क्रॉस के लिए भी हम लोग यहाँ पे माउस पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमको कोई बटन नहीं सेट करना है ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसके लिए बटन सेट करो, बट इसके लिए कोई बटन सेट नहीं करना है। अब देखो हर एक की का मैं आपको यूज़ बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली चलता हूँ मैं, गन ले लेता हूँ ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे F1 बटन ठीक है। WASD तो आप लोग जानते हो, लेफ्ट राइट आगे पीछे ठीक है। यहाँ पे W से आगे जाएगा, S से पीछे आएगा, A से आपका लेफ्ट साइड में जाएगा एंड D से आपका राइट साइड में आएगा। उसके बाद यहाँ पे F1 बटन जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी यूज़ करने के लिए या फिर यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में सामान वामान लेने के लिए, गन वगैरह लेने के लिए, ये आप यूज़ कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ दो गन, गन लेने के बाद इसको मैं कट कर देता हूँ ठीक है। कट करने के बाद यहाँ पे ये मैं माउस हटाता हूँ। देखो अब ये जो मैंने बटन सेट किया था ठीक है, वहाँ पे शूटिंग मोड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे देखो आप लोग मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे जो मैंने बटन सेट किया था ये वाला ठीक है, इससे आपका क्या होगा कि आपका ये माउस कर्सर जो हट जाएगा ठीक है। यहाँ पे देखो माउस कर्सर जो मैं क्लिक करता हूँ तो हट जाएगा। अब ये कब हटेगा, जब आपका ये शूटिंग बटन रहेगा तब, सॉरी यहाँ पे ये साइड बटन रहेगा तभी हटेगा ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई नो वीडियो लंबी हो रही है बट हर चीज़ आपको समझाना जरूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो तो ये हो चुका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं, बाकी आप लोग F2 बटन तो जानते हो बैक के लिए इस्तेमाल होगा ठीक है। और उसके बाद वन बटन, आप वन गन वन के लिए, गन टू के लिए, गन थ्री के लिए। उसके बाद मान लो यहाँ पे मैंने फायर किया रिलोड के लिए, इसलिए हम लोग का यहाँ पे देखो ऐसे हाथ रहेगा हम लोग का, ये उंगली देख लो आप लोग कैसे रहेगा ठीक है। ये जो उंगली आपका, ये आपका रहेगा टैब पे ठीक है। और उसके बाद ये उंगली आपका यहाँ पे रहेगा वन टू, ये टू पे रहेगा एंड ये आपका ई पे रहेगा, और ये जो आपका रहेगा स्पेस बार पे। अब देखो जब भागने के लिए रहेगा बटन तो आपका ई यूज़ करोगे फिर रोक दोगे ठीक है। और जब थ्री बटन यूज़ करना रहेगा तो ये वाला उंगली इधर आ जाएगा ठीक है। एंड क्यू बटन के लिए आपका ये वाला उंगली नीचे आ जाएगा ठीक है, यहाँ से वन से नीचे इस तरीके से ठीक है। अब देखो अब ये जो गन जो मैंने बताई है वो गन आप यूज़ कर लोगे ठीक है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ ठीक है। अब देखो जो मैंने टैब बटन सेट किया था, टैब मैंने दो जगह सेट किया, यहाँ पे सेट किया था, यहाँ पे सेट किया था। क्यों सेट किया था, मान लो आपको तुरंत फायर करके एंड सेटअप भागना है ठीक है, तुरंत फायर करके तुरंत भागना है। तो देखो यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ फायर करके, जब मैं टैब क्लिक करता हूँ तो तुरंत मार के बैठ जाता है ठीक है। एक बार फिर से देखो यहाँ पे मैंने इसको खड़ा कर लिया ठीक है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, जब मैं फायर करता हूँ
तो यहाँ पे टैप बटन क्लिक करता है तो मार के तुरंत बैठ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग को वन टैप मारने में मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, या फिर हम लोग को सिटअप मारने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे मैंने ग्लूवॉल के लिए सेट किया था, ग्लूवॉल के लिए मैं चलता हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, एंड वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो ग्लूवॉल के लिए सिंपली आपको करना क्या है, मान लो फायर करो, ठीक है, फायर करो, फायर करने के बाद आपको माउस को नीचे लाना है, नीचे लाने के बाद आपको सिर्फ ये वाला बटन क्लिक करना है एंड ये वाला बटन, बस ये और ये, ये और ये, ये और ये, ठीक है। सबसे पहले ये, फिर ये, देखो यहाँ पे ग्लू वॉल आ चुका है, ठीक है। जब ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है ग्लू वॉल लग जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखाता हूँ, तो चलते हैं, सबसे पहले ग्लू वॉल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ग्लू वॉल लेने के बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको फास्ट, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग ग्लू वॉल, ठीक है। चलते हैं नीचे, एंड देखो जब मैं यहाँ पे चलता हूँ फायर करने, फायर करता हूँ, नीचे किया, एंड नीचे करने के बाद तुरंत ये वाला बटन क्लिक करके, ये वाला, ठीक है। ग्लू वॉल ने लिया क्या भाई, मैंने ग्लू वॉल नहीं लिया, पहले ही भाग गया है, ठीक है। तो मैं इधर ग्लू वॉल लेता हूँ, सबसे पहले ग्लू वॉल लिया ही नहीं मैंने, तो ग्लू वॉल लेने के बाद मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ से मारने के बाद नीचे करना है, नीचे करने के बाद आपको ये एंड ये, ठीक है। कितना फास्ट हो जा रहा है, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये की मैपिंग आप कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट की मैपिंग है, ठीक है। एंड ये की मैपिंग यूज़ करने के बाद बहुत ही अच्छी यहाँ पे फाइट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे गेम प्ले वीडियो भी अपलोड करने वाला हूँ ऑक्टोपस का, तो आप इस तरीके से इसका की मैपिंग करके अपना जो भी है यहाँ पे फ्री फायर बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हो। ये की मैपिंग आप ऑक्टोपस में यूज़ करो, पांडामस प्रो में यूज़ करो, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हो जिसमें भी कीबोर्ड एंड माउस से खेल सकते हो। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर ना तो चैनल के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।